हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और एक बार फिर से मैं आपके सामने टॉपिक सेंटेंसेस जो कि क्लास 12th के लिए लेकर के आया, तो आइए चलिए इस पर बात करते हैं और समझते हैं चीज़ों को बहुत ही आसानी के साथ। ठीक, तो यदि आप चैनल पर रहें, आप फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। और आप अगर क्लास 12th के विद्यार्थी हैं तो यकीन मानिए आपकी क्लास में आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए वही क्वेश्चंस मैं रखने वाला हूँ और आपको सुटेबल्स वही एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, क्योंकि मैं एग्जाम्पल भी जो देता हूँ वो मैं आपकी बुक से ही देता हूँ, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में मुझे आपको ज्ञानी नहीं बनाना, मुझे आपके 12th में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाने। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो एग्जाम्पल आपकी बुक्स में या अनसोल्व में दे रखें मैं उसी से रिलेटेड बनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो। सिंथेसिस टॉपिक है, और पिछले वीडियो में पार्ट फर्स्ट और सेकेंड में हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हुए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लिया था। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, वो सीखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज़ करते हुए। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हुए किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय पर बात करते हुए आज की। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और आप जो भी मैं एग्जांपल्स लिखूँ या आपको दू करने के लिए, आप उसको क्या करो, कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर दो, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम दे करके आओगे और आपके इसमें सेंटेंसेस में आएगा, तो इस वीडियो से जो एग्जाम्पल्स होंगे वो तक आपको सेम एज इट इज़ मिलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा और बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो सिंथेसिस में, तो इसमें क्या होता है कि यदि इसमें दो तीन शर्तों का मुझे बहुत ही विशेष ध्यान रखना होता है। शर्त कुछ इस तरीके की होती है कि जैसे जो या दो या जितने भी सेंटेंस हो, सभी सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट जो भी सेंटेंस लिखे होंगे उन सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट होंगे वो सेम होने चाहिए, वो सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको आप अगर याद रखोगे तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हुए सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से बना लोगे। ये इसका कीवर्ड है, मतलब आपको कब परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बात आपको याद रखें कि देखिएगा, जब भी दो सेंटेंस लिखे होंगे उन दोनों सेंटेंसेस के बीच में जो टाइम होता है, टाइम इसको आप पहले नोट करिए फिर आप समझ जाएंगे, उन दोनों सेंटेंसेस के बीच में टाइम जो होता है, टाइम वो होता है पर्याप्त। कैसा टाइम होता है? पर्याप्त टाइम होता है। टाइम होगा वो कैसा होना चाहिए? पर्याप्त टाइम मिलेगा। ठीक, तो देखिएगा जब भी दो सेंटेंस लिखे होंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि जब एक कार्य पूर्ण रूप से, कहने का तात्पर्य ये है कि जब एक कार्य पूर्ण रूप से हो जाएगा इसके बाद ही दूसरा काम स्टार्ट होगा। ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट की हिंदी क्या निकलती है? पूर्ण। परफेक्ट की हिंदी क्या होती है? पूर्ण। तो ये खुद ही बता रहा कि जब एक काम पूर्ण कर लेना उसके बाद ही दूसरा काम स्टार्ट करना, तब वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होगा। ठीक, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का जो सेंटेंस होते हैं वो आपको सेंटेंसेस जब बनाओगे, ठीक, तो वो कुल दो तरीके से बनता। देखिए, यदि सेंटेंस आपका किस में है? एक्टिव वॉइस में। यदि आपका सेंटेंस किस में है? एक्टिव वॉइस में। तो दिए गए सेंटेंस का जब आप सिंथेसिस बना रहे हो तो उसको आप कैसे जोड़ोगे? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ये, और बाकी प्रोसेस आपकी वैसी रहेगी। पहले आप समझ लीजिएगा, हम आप रूल्स लिख रहे हैं अभी, सेंटेंस नहीं बता रहे, आप खुद ही करने लगोगे, यकीन मानिए। आप बस उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत सरल है, इससे ज़्यादा सरल कुछ भी नहीं। और एग्जाम में आता जरूर है सिंथेसिस का, एक क्वेश्चन आपके इसमें जरूर आता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, तो जो दूसरा है वो है आपका पैसिव वॉइस में। तो जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया जाएगा तब आप कैसे बनाओगे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हो? तो हैविंग बीन थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो जब इस तरीके का हो सेंटेंस का फॉर्मेशन, इस तरीके का हो कि जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे और आपको पर्याप्त समय मिले, आपको लगे कि एक काम होने के काफ़ी टाइम बाद दूसरा काम स्टार्ट किया जा सकता है, तब वहाँ पर आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करोगे। परफेक्ट पार्टिसिपल की कुछ शर्तें देखिए, सब्जेक्ट सारे इक्वल होने चाहिए जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। उन दोनों सेंटेंस के बीच में टाइम कैसा होना चाहिए? पर्याप्त होना चाहिए। और यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, तो हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हुए आप बनाएंगे। यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में, तो हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हुए बनाएंगे। अब बच्चों को दिक्कत ये आती है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में, ये कैसे पता किया जाए? तो आइए देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से आपको वो भी क्लियर हो जाए। जैसे मैंने आपके सामने सेंटेंस ये लिखा है कि ही completed his work,
ही वेंट होम. एक सेंटेंस मैंने आपके सामने ये लिखा है कि ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ही वेंट होम, ठीक. और नेक्स्ट सेंटेंस मैंने आपके सामने ये लिखा कि ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, ही felt sorry. ये सेंटेंस आपके सामने मैंने दो लिखे, ही कंप्लीटेड हिज वर्क और ही वेंट होम. ठीक, तो देखिएगा दिए गए सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस पैसिव है और कौन सा एक्टिव वॉइस में, ये आपको बता देते हैं. ठीक, आपको कंफ्यूजन होगी श्योर, क्योंकि आपके जो बुक है उसमें कहीं कहीं एग्जांपल दूसरे हिसाब से भी दिए गए, तो आप इन दोनों में पहले डिफरेंस समझिए. ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ही वेंट होम, पहले आप इसको बनाना सीखिए. उसने काम को पूरा किया और वह घर गया. तो ये बताओ जब उसने काम पूरा कर लिया है तब वो घर गया कि काम करते करते घर गया? तो जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए तो उसने काम पहले कंप्लीट कर लिया तभी तो वो घर गया हो, तो इसमें आपको पर्याप्त टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो जब एक काम हो जाएगा तभी आप घर जाएंगे कि आप काम करते हुए ही घर चले जाएंगे? तो इसमें क्या होता है, टाइम आपको पर्याप्त मिलता है, इस वजह से हम इसमें क्या लगाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे. अब देखना ये है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में या पैसिव में, तो आप बात याद रखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, इज एम आर वाज वर लगाओ, तो वहां पर कौन सा वॉइस होता है, पैसिव वॉइस. अब जस्ट इमेजिन जिनको नहीं पता वो इससे भी थोड़ा सा देख सकते थे कि बाय द टीचर लिखा तो 100% ये कैसा है, पैसिव में. इज एम आर वाज वर दिया जाए, बी की फॉर्म दी जाए, हैज बीन, हैव बीन, कुछ भी दिया जाए और उसमें क्या लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, बाय द टीचर दिया गया, तो ये वाला पैसिव वॉइस में. तो जब बताओ इसमें और इसमें से कौन सा रूल हम लगाएं जो मेरा ये सेंटेंस सही हो जाएगा. यदि ये एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस का रूल लगेगा, ये पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस का रूल लगेगा. तो जाहिर सी बात हम इस रूल के तहत इसको बनाएंगे, तो कैसे बनेगा ये देखिएगा. तो हैविंग और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब ये है कंप्लीटेड. तो जो कार्य पहले होता है आप उसी को पहले लिखिएगा, ये नहीं करिएगा कि पहले गौन लगा दें, क्योंकि जब आप पहले काम कर लोगे तब घर जाओगे कि घर जाकर के काम करो, उल्टा नहीं होगा. ठीक, तो हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, हिज वर्क, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, ये मैंने लिख रखा है. और फिर इसके बाद में आप कॉमा लगाएंगे, देखिएगा दोनों सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल इक्वल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. फिर इसको ऐसे ही जोड़ देंगे कि ही वेंट होम, इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं. ठीक, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा. नेक्स्ट सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में, तो इसमें ये कैसे बनेगा, ये इस रूल के तहत बनेगा और ऊपर वाला मैंने इसके हिसाब से बना देगी, हैविंग और थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लगाइए, हिज वर्क को ऐसे लिखा, कॉमा, ही वेंट होम, वर्क आ गया, काम समाप्त करके वो कहाँ चला गया, घर चला गया. इसमें देखो ही वाज पनिश्ड बाय द टीचर, ही फेल्ट सॉरी, ये बताओ दोनों में से काम पहले हुआ कैसा हुआ, पहले उसने गिल्टी महसूस किया, सॉरी महसूस किया, तब उसको टीचर के द्वारा पीटा गया, या उसको टीचर को पीटने के बाद उसको थोड़ा वैसा महसूस हुआ, खेद टाइप का महसूस हुआ? तो टीचर के पीटने के बाद, यानी जो कार्य पहले होता उसी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे. कैसे बनेंगे ये ध्यान दीजिए, तो हैविंग, क्योंकि पैसिव वॉइस में इस वजह हैविंग बीन और फिर पनिश्ड, हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर. आपको अगर ये जानना है कि इसके साथ बीन कैसे आया तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ. ठीक, उसमें कोई खास बात नहीं है, बट वो सब जान करके आपके एग्जाम से कोई लेना देना है नहीं, तो उससे आप कुछ ना टेंशन मत लो. आप इतना समझो कि पैसिव वॉइस है तो ये हैविंग के साथ क्या लग जाता है, बीन, यहाँ बीन लग जाता है, यहाँ पर नहीं लगता. हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर, कॉमा लगाइए, फिर लिखिए आगे ही फेल्ट सॉरी. अच्छा, एक एग्जाम्पल हम और लिखते हैं, उसको हम बनाएंगे और फिर एक हम आपको देंगे, उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना. चलो नेक्स्ट सेंटेंस मैंने ये लिखा, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, ही वेंट. अब आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, यकीन मानिए समझ में आता है. द सर्वेंट, नौकर जो था, स्वेप्ट द रूम, उसने कमरे को साफ किया, ही वेंट होम, वह घर चला गया. देखिए कुछ लोग ये कहेंगे सर दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका चेंज हो गया, तो देखिएगा ये नाउन है इसका और ये सर्वेंट के लिए ही आया है, ही तो वो प्रोनाउन हो गया. तो द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, नौकर ने क्या किया, कमरे की सफाई करी, झाड़ू पोछा किया और ही वेंट होम, वह कहाँ चला गया, घर गया. तो काम हो जाने के बाद ही तो जाएगा, तो कैसे बनेगा ये देखिए, Having swept the room. अच्छा, मैंने having swept the room लगाया क्योंकि दिया गया sentence कहीं भी is am are was were नहीं दिया गया, तो verb की third form नहीं थी, इस वजह से sentence active voice में है और active voice होता है तो having plus verb की third form लगा ली, तो having और verb की third form लगा ली, having swept the room, comma. अब यहाँ पर देखिए एक बार noun का प्रयोग होना तो बनता है, जैसे यहाँ पे ही लिखा, हम ही went home लिख सकते थे,
लेकिन पता नहीं चलता कौन घर गया है, किसने रूम को साफ किया, तो नौकर ने किया, इस वजह से यहाँ पर फर्स्ट टाइम इसका क्या हो नाम भी आएगा, तो कॉमा द सर्वेंट, कॉमा द सर्वेंट वेंट, इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए एक मैं भी आपसे पूछ लेता हूँ, देखता हूँ आप बता पाते हैं या नहीं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाए। जैसे ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, शी कंप्लीटेड हर हर रिटन हर रिटन वर्क, सी went home। सभी में सब लोग घर ही जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर यही होता है कि काम हो जाने के बाद सबको घर ही जाना होता है। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। और इस तरीके के जो सेंटेंस हैं उनको आप अच्छे से समझते चलिए। चलिए एक सेंटेंस मैं आपसे और पूछ लेता हूँ, कुछ पैसिव एस्पेक्ट भी याद आ रहे। चलिए मैंने सोचा था एक ही पूछूंगी लेकिन एक और आप कर दीजिए, इन दोनों की कमेंट करिए, देखते हैं आप लोग उनमें से कितने लोग चलिए अच्छे कर। जैसे मैंने लिखा कि राम was defeated, Ram was defeated by Rohan, full stop, he felt shameful। इस सेंटेंस का अच्छा आप आंसर करिए, ये दो सेंटेंस मैंने आपके सामने रखे। आपको अगर किसी चीज़ें समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। परफेक्ट पार्टिसिपल भी आपका खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी आपके पास्ट पार्टिसिपल। तो कीप सपोर्ट करते रहिए, अच्छे से वीडियो को देखते रहिए और आप बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक पाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ख्याल रखिए।